चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में तीन रुकनी बेंच ने सरकारी इश्तेहारात से मुतालिक केस की समाअत की। जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि शहबाज शरीफ ने अपनी इश्तेहारी मुहिम के एवज 55 लाख का चेक अदालत में जमा करवा दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये बताएं शहबाज शरीफ का चेक डैम फंड्स में जाएगा या हुकूमती खजाने में, जिस पर एडवोकेट शाहिद हामिद ने चीफ जस्टिस को जवाब दिया कि साबिक वजीर आला पंजाब का चेक पंजाब हुकूमत के खजाने में जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें दौरान समाअत बताया गया है कि सिंध और केपी में भी इश्तेहारी मुहिम ने सरकारी खर्चे पर जाती मुहिम चलाई गयी। चीफ जस्टिस ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी सिंध और केपी के 10 रोज में वजाहत दें। चीफ जस्टिस ने नोटिस निपटाते हुए कहा कि शहबाज शरीफ ने रजाकाराना तौर पर चेक जमा करवाकर मिसाल कायम कर दी, बाकी लीडर भी इस पर अमल करें।